देखिए भारत एट नाइन काबेंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू भारत एट नाइन। दोस्तों, देश के कई राज्यों में सियासी पारा सारे रिकॉर्ड तोड़े बैठा है, तो वहीं सेंटर भी टेम्परेचर में नहीं है। दिल्ली की सत्ता भी खूब हरकत में है। कांग्रेस शांत है लेकिन लीड करने की कोशिश में है। बीजेपी फुल एनर्जी में है। बीजेपी का बस चले तो कल ही चुनाव करवा। हाँ, विपक्ष समय मांग रहा है। समय चाहिए दोस्त बनाने के लिए। राजनीतिक दोस्त बनाने में जितना समय लगेगा वही तय करेगा कि आगे चुनाव किस दिशा में जाएंगे, क्योंकि जल्दबाजी में सियासी दोस्त बनाना नुकसानदेह भी हो सकता है। जैसा कि दोस्तों हम देख चुके हैं यूपी के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, जहां दो लड़कों के साथ को यूपी की जनता ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, तो वहीं बुआ बबुआ की जोड़ी को भी पसंद नहीं किया गया। 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर देश के राजनीतिक दलों में अभी से हलचल महसूस की जा सकती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ एक राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की कोशिशों में बीते कुछ महीनों से काफी तेजी आई। एनसीपी चीफ शरद पवार के घर पर हुई विपक्षी नेताओं और मोदी सरकार विरोधी बुद्धिजीवी वर्ग की एक बैठक में भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की कवायद की गई थी। हालांकि इस बैठक के अगले ही दिन सफाई भी दी गई कि इस मीटिंग में किसी नए राजनीतिक मोर्चे को बनाने के प्रयास नहीं किए जा रहे। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ के साथ मुलाकात के बाद शरद पवार ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के बिना वैकल्पिक मोर्चा खड़ा करना नामुमकिन है। तीसरे या वैकल्पिक मोर्चे की सुखबुगाहट के बीच देश के मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी कहते हुए दिखे कि उन्हें यकीन नहीं है तीसरा या चौथा मोर्चा भाजपा को चुनौती दे सकता है। दोस्तों, ऐसा कहना है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर चर्चा में आए थे 2014 के बाद। उन्हें सभी लोगों ने एक बहुत बड़ा चुनावी रणनीतिकार मान लिया। दोस्तों, प्रशांत किशोर को असली चाणक्य बताया गया था। प्रशांत किशोर बीजेपी को जीत दिलाने में कामयाब रहे, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के मामले में हार गए, लेकिन जबरदस्त वापसी करते हुए उन्होंने बंगाल के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को जीत दिलाई। और अब लगातार कयास है कि वो एक बार फिर आ सके, सामने आ सके, और ऐसे में वो किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को जीत दिलाने जा रहे हैं और जिलाते रहे, इसको लेकर, जिस तरीके से उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को जीत दिलाई थी उसको लेकर चर्चा है कि शायद अब वो कांग्रेस के खेमे में और कांग्रेसियों के मन में जोश जगाए कि शायद वो भी जीत की ओर बढ़ सकते हैं। वैसे दोस्तों, नरेंद्र मोदी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष बनाने की अपील सबसे पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के दौरान की थी। जब पश्चिम बंगाल के चुनाव में जब सियासी पारा बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, तब ममता बनर्जी ने कहा था कि एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। दोस्तों, बंगाल चुनाव में जीत के बाद ममता बनर्जी विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरी। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया भी इन दिनों अपने दिल्ली दौरे पर और विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ ही राहुल गांधी से भी मुलाकात की। संभावना दोस्तों जताई जा रही है कि कांग्रेस के इस गठबंधन में शामिल होने के बाद भाजपा और पीएम मोदी के सामने एक चुनौती खड़ी की जा सकती है। हालांकि इस खिचड़ी विपक्ष बनाने की राह में अभी भी राष्ट्रीय स्तर से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक कई रोड़े। आइए जानते हैं कि 2024 चुनाव में खिचड़ी विपक्ष का आइडिया मोदी के आगे क्यों फीका है, समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पिछली बार भी 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि किस तरीके से विपक्ष एक दूसरे का हाथ थामा था, लेकिन उसके बावजूद बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था और मोदी एक बार फिर जीत कर सामने आए।
दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने राफेल डील के नाम पर चौकीदार चोर है का नारा निकाला था, आपने देखा होगा याद हो। लेकिन इसे काउंटर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार का जो दांव खेला, उसकी वजह से पूरा विपक्ष बैकफुट पर आ गया। जिस तरीके से ट्विटर पर मैं भी चौकीदार, बीजेपी ने इसको एक कैंपेन बना दिया, जिसके बाद तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ताओं ने अपने ट्विटर हैंडल्स पर मैं भी चौकीदार इसको लिख लिया, और ये कैंपेन विपक्ष पर उल्टा पड़ा। वहीं दर्शकों, इस टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करने को लेकर राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी। सोल संयुक्त विपक्ष की कवायद में जुटे राजनीतिक दल केवल मोदी हटाओ के नारे के सहारे मिशन 2024 को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ये नारा सिर्फ तभी काम करेगा जब मोदी के खिलाफ कोई गंभीर आरोप हो और इसमें सीधे उनकी संलिप्तता नजर आए। ऐसा आरोप फिलहाल नरेंद्र मोदी पर नजर नहीं आता। 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार अपनी विचारधारा और एजेंडे को आगे बढ़ाती रही है। तीन तलाक, CAA, राम मंदिर, धारा 370 जैसे मुद्दों को भाजपा ने हमेशा से अपने एजेंडे में रखा और इन्हें पूरा भी कर दिया। दोस्तों, भाजपा के पास भविष्य के लिए भी कॉमन सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून और इसके जैसे तमाम दर्जनों मुद्दे मौजूद हैं, जिसके बल पर वह लोगों को एकजुट करने के हर संभव प्रयास कर सकती है। दोस्तों, बीजेपी के पास आज सबसे मजबूती के साथ खड़ी वो चीज ये है कि बीजेपी खुलकर बोलती है कि वो 370 हटाने की बात करते थे, उन्हें 370 को हटा दिया। बीजेपी खुलकर बोलती है कि वो राम मंदिर बनाने की बात करते थे, उन्होंने बना दिया। दोस्तों, बीजेपी ने आखिरी वक्त उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर नीट एग्जाम को लेकर अब OBC पर जो आरक्षण की बात की है वो भी एक्स फैक्टर है। लेकिन भाजपा के खिलाफ बनाए जा रहे गठबंधन वाले विपक्ष के पास भाजपा विरोधी एकमात्र मुद्दा। अब एक बात समझिए दर्शकों, एक पार्टी जो कि सत्ता में, और ये बिल्कुल समझने योग्य बात है कि जो सत्ता में है उसके पास सत्ता की मशीनरी, दूसरी पार्टी है जिसके पास सत्ता नहीं है लेकिन उनके पास मुद्दा नहीं है। दोस्तों, पिछले चुनाव में कांग्रेस ने कहा कि चौकीदार चोर है, राफेल डील को लेकर लगातार सवाल उठाए, खूब बातें की, लेकिन सब कुछ धराशायी। दोस्तों, मुद्दों का फर्क है राजनीति, यहां पर बीजेपी राजनीति कर रही है लोगों से जुड़ाव को लेकर, उनके मुद्दों से बातचीत को लेकर, लेकिन विपक्ष एक मुद्दा लगाकर चल रही है, वो है सिर्फ मोदी विरोध का, जिसके चलते कहीं ना कहीं विपक्ष बैकफुट पर है। दोस्तों, देश की मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए विपक्ष पूरी तरह से एजेंडा विहीन नजर आता है। भारत में 80-85% तेल आयात किया जाता है, क्या विपक्ष के सत्ता में आने पर भारत में तेल के कुएं खोज जाए? सवाल, अगर विपक्ष पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटा भी देती है तो सरकारी योजनाओं के लिए धन कहां से आएगा? सवाल, मोदी सरकार वैसे ही पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को यूपीए सरकार के दौरान जारी किए गए ऑयल बॉन्ड का नतीजा बताती है। तो अब इसमें विपक्ष क्या तर्क देगा? सवाल। दर्शकों, मोदी के खिलाफ तैयार हो रहा विपक्ष मोदी समर्थकों को मोदी भक्त की संज्ञा देता रहा है। इसके साथ ही विपक्ष का मानना है कि मोदी भक्त वोटर नहीं, लेकिन अगर हम प्रशांत किशोर की बंगाल चुनाव के दौरान की लीक चैट पर भरोसा करें तो यह बात स्पष्ट होकर सामने आती है कि वोटरों का करीब 20% अकेले मोदी के पास है, जिन्हें आप मोदी भक्त कह सकते हैं, और इन मोदी भक्तों की बड़ी तादाद की मौजूदगी सोशल मीडिया पर भी नहीं। जबकि दोस्तों, विपक्षी पार्टियों को विधानसभा चुनाव में वोट देने वाले भी कई लोग केंद्र में मोदी को वोट देते रहे। इसे हम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल
सरकार से समझ सके। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल लगातार सत्ता में वापसी कर, लेकिन दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर उन्हें हार मिली। दर्शकों, देश में कई दशकों से मुस्लिम तुष्टीकरण किया जाता रहा, अब वो साहबानो मामले पर राजीव गांधी की सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की बात हो, या यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक बताने का मामला, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि देश की आबादी के सबसे बड़े हिस्से हिंदुओं के बीच ये नैरेटिव बन गया है कि वे हमेशा ही दूसरे पायदान पर है। दर्शकों, भाजपा अपनी पार्टी के गठन के समय से हिंदुत्व को लेकर स्पष्ट विचारधारा के साथ चली, वहीं अन्य राजनीतिक दलों ने मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने के डर से धर्मनिरपेक्षता का ढोल पीटा है। हालांकि दर्शकों, चुनाव में मिलने वाली लगातार हार के बाद सियासी पार्टियों ने सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसे भी भाजपा ने अपने पक्ष में कर लिया। दर्शकों, भाजपा की ओर से प्रचारित किया गया कि यह उसकी पार्टी का ही असर जो नेता मंदिरों में जाने लगे, और ये बखूबी लोगों के बीच भी मैसेज पहुंचा। हम जब छोटे जिलों में जब जाते हैं, हम जब राज्यों में जाते हैं, हम चुनाव जिन जगहों पे चुनाव है वहां जब लोगों से बात करते हैं, तो ये चीज निकलकर सामने आती है कि जो बीजेपी कैडर है उसने लोगों के बीच ये मैसेज पहुंचा दिया कि अगर कोई भी नेता मंदिर जा रहा है, विपक्ष का कोई भी नेता अगर मंदिर जा रहा है, तो ये सिर्फ बीजेपी सरकार की बदौलत। ऐसा मैसेज जमीनी स्तर पर पहुंचा दिया गया। दर्शकों, मोदी सरकार और भाजपा जहां खुलकर हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही हैं, वहीं विपक्ष में कई पार्टियां धर्मनिरपेक्षता को लेकर पहले जैसी मुखर नहीं, बल्कि वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अख्तियार करने लगी। ऐसे में वो मोदी से हिंदुत्व के मुद्दे पर तो चुनाव लड़ना दूर की कौड़ी नजर आता है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ सशक्त विपक्ष बनाने की तैयारियां भले ही शुरू हो चुकी, लेकिन इस विपक्ष का चेहरा कौन होगा? मोदी वर्सेस हु, दिस इज द क्वेश्चन टुनाइट। दर्शकों, सबसे ज्यादा बहस इस बात पर होनी, भाजपा के पास नरेंद्र मोदी के तौर पर निर्विवाद और ताकतवर चेहरा है, लेकिन विपक्ष में नेतृत्व को लेकर अभी से ही खींचतान दिखने लगी। दर्शकों, यह खींचतान 2024 तक खत्म होती भी नहीं दिखती। खिचड़ी विपक्ष में हर नेता खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताएगा। यह खिचड़ी विपक्ष है दोस्तों, जहां हर कोई सम्मिलित और हर कोई अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार समझता है। दर्शकों, विपक्ष का सबसे बड़ा दल कांग्रेस राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इस स्थिति में विपक्ष के सामने देश भर में सर्वस्वीकार नेता चुनने की बड़ी चुनौती। दर्शकों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान पैदा हुई भयावह स्थितियों की वजह से मोदी सरकार पर दबाव बना है, इसमें कोई दो राय नहीं। पेट्रोल डीजल से लेकर घर की रसोई तक में महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के बर्दाश्त करने की सीमा पार हो गई है, कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता का गुस्सा 2.5 साल से ज्यादा समय तक कायम रहे? सवाल। राजनीति में यह आम धारणा है कि जनता की याददाश्त कमजोर होती है, उस पर मोदी और बीजेपी को हवा बदलने में महारत हासिल, उन्हें चुनाव जीतना आता। हाल ही हुए मोदी कैबिनेट विस्तार में इन तमाम मुद्दों पर फेल रहे मंत्रियों के चुन चुन कर इस्तीफे दिए, चुन चुन कर रेजिग्नेशन लिए। नरेंद्र मोदी कोरोना से हुई मौतों पर भावुक भी हुए। क्या इस बात से इंकार किया जा सकता है कि इससे बहुतों को नहीं तो कुछ का दिल तो बदला हो? 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने 2019 जो प्रचंड जीत हासिल की, उसके बारे में किसने सोचा था? जबकि बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा तब भी था, याद रखिएगा, यह मुद्दा तब भी था,
लेकिन उम्मीद किसने की? पासा पलट। दोस्तों थोड़ा सा ट्रैक में तब्दीली लाकर चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं कि सियासी माहौल दरअसल सेंटर में किस ओर, सियासी हवा दरअसल दिल्ली में किस ओर बह रही। दर्शकों बीते कुछ महीनों से या कहूं बीते एक साल से राजनीति में मोदी के सामने अगर कोई टक्कर देने वाला नेता निकलकर सामने आया है तो वो है ममता बनर्जी। दोस्तों दिल्ली आई बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंची। इस मुलाकात के दौरान ममता और सोनिया के साथ राहुल गांधी भी मौजूद थे। दोस्तों बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से ही ममता बनर्जी को कई विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक सशक्त नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे। मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि विपक्ष का चेहरा चुनाव के समय की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। यानी एक बात तो साफ है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के बावजूद प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी से अपना नाम बाहर नहीं किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी किसी भी हाल राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बनवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों राहुल गांधी भी इन दिनों जिस तरह से भाजपा और पीएम मोदी पर हमलावर और फिर खुद को पीएम मटेरियल घोषित करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। जिसको दर्शकों 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता दो बड़े चेहरों के बीच फंसी हुई नजर आती है। भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक सशक्त चेहरे की खोज शुरू हो चुकी है। लेकिन इस रेस में ममता बनर्जी राहुल गांधी से कहीं आगे दिखाई पड़ती है। दोस्तों आइए जानते हैं कि 2024 में ममता बनर्जी का प्रमुख चैलेंजर बनना कांग्रेस और राहुल गांधी से क्यों बेहतर है। देश में कांग्रेस का फैलाव भले ज्यादा हो लेकिन उसकी स्वीकार्यता पर गंभीर सवाल खड़ा हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस के मुकाबले तृणमूल कांग्रेस का संगठन और कैडर ज्यादा ताकतवर और समर्पित दिखता है। ममता बनर्जी ने अपने संगठन और कैडर के दम पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव वोटरों का रुख एक तरफा कर दिया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एकजुट होने की अपील की। ममता बनर्जी की उस चिट्ठी के बाद मजबूरन कांग्रेस और वामपंथी दल साइलेंट मोड में चले गए। वहीं राहुल गांधी की बात करें तो उनके खाते में अभी तक ऐसी कोई उपलब्धि नहीं जुड़ी है। केरल में सत्ता परिवर्तन का सपना देख राहुल गांधी ने पूरी ताकत छोड़ी, लेकिन पिनरई विजयन के सामने वो खेत ही रहे, वो छोटे, वो उनके सामने कोई कमाल नहीं कर सके और हार। दर्शकों भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल का तमगा लिए जो पार्टी फिर रही है कांग्रेस, उसमें आंतरिक कलह चरम पर पहुंच। कांग्रेस नेतृत्व को उनकी ही पार्टी का समर्थन हासिल नहीं है। कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व के लगातार कमजोर प्रदर्शन के चलते पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे दलों में जगह तलाशने पहुंच रहे। राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस के ही दिग्गज नेताओं ने G23 के रूप में मोर्चा खोला हुआ। वहीं बंगाल चुनाव में पीएम मोदी और भाजपा के स्टार प्रचारकों की फौज से अकेले टक्कर लेते हुए जीत की हैट्रिक लगाने वाली ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस के साथ ही देश की अन्य पार्टियों का भी समर्थन मिला। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बंगाल चुनाव के दौरान कांग्रेस नीत यूपीए के तमाम सहयोगी दल ममता बनर्जी के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। संसद का मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे में चल नहीं पा रहा है और ऐसे में देश जो चीज सबसे तेजी से चल रही है वो ये कि सियासत बड़ी ऊंची खड़ी पहुंच, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है और इसके बाद 2024 दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा, जो पूरे देश का प्रधानमंत्री बनेगा उसका चुनाव। लेकिन दिल्ली की सत्ता पर पहुंचने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आपको पूरी कहानी समझाई कि कौन कितने पानी में है, बाकी आपको देखना है कि किसको किस तरह से आंकना है।
बाकी मीडिया का काम है आपको समझाना कि कौन किस तरफ है और कैसी हवा है। हवा बताना हमारा काम है, हवा को तब्दीलियां देना जनता का काम है। फिलहाल आज के लिए भारत एट नाइन के इस एपिसोड में इतना ही। कल एक बार फिर एक नए मुद्दे पर आपसे बात होगी और खूब बात होगी। तब तक के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।